हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर केके पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड फ्लोरिकम के बारे में। दोस्तों तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एसिड फ्लोरिकम एक तरह के पत्थर का चूरा गंधक के तेजाब में मिलाकर के किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा यह औषधि तैयार होती है। इसका उपयोग हड्डी के जख्म, विशेषकर ह्यूमरस, दीर्घभुजास्थि, फीमर, जंघे की हड्डी, अल्ना और टिबिया अर्थात हाथ पैर की सभी लंबी हड्डियों और टेम्पोरल यानी कपालस्थि, सिर की हड्डी, हड्डी का जख्म और उसे क्षय करने वाला पतला रस निकलता हो तो इससे बहुत उपकार होता है। इसके अलावा मसूड़े की सूजन और आंख के नासूर की भी यही प्रायः एकमात्र दवा है। फ्लोरिक एसिड के जख्म की तकलीफें ठंडे प्रयोग से घटती हैं, जबकि सैलिसिया में ठंडे से तकलीफ बढ़ जाती है। उपदन से उत्पन्न हुए प्रायः सब तरह के अस्थि क्षत यानी हड्डी की बीमारी में यह लाभदायक है। इसका रोगी कम उम्र में ही वृद्धों की तरह दिखाई देता है। रोगी अक्लांत भाव से परिश्रम कर सकता है, सर्दी या गर्मी से घबरा नहीं जाता है। मोतियाबिंद में थियोसिनामिनम व कैल्कुलिया फ्लोर का व्यवहार करके देखें। दांत की बीमारी, दांतों की जड़ या मसूड़े में पहले फोड़ा होकर उसमें क्रमशः फिशुला, नासूर हो जाने और आराम न होने पर क्रमशः दांतों की जड़ की हड्डी तक रोग जा पहुंचता है। कैरी जिसको कहते हैं, पीप में बहुत बदबू रहती है और मुंह से सड़ी गंध निकलती है। इस रोग में धीरज के साथ कम से कम 2 से 3 महीने तक दवा सेवन करना आवश्यक है। द्रष्टव्य, हड्डी या दांतों के जख्म में सैलिसिया का प्रयोग कर बहुत कुछ फायदा हुआ है, परंतु बीमारी जहां एकदम आराम न होती हो वहां सैलिसिया के बाद एसिड फ्लोरिक के प्रयोग से लाभ होगा। पुराना जख्म का चिन्ह फिर लाल हो जाता है, पकता है और घाव हो जाता है। अंगुल बेड़ा जिसे वेटलो भी कहते हैं, नस्तर लगने के बाद जख्म होना, उसमें ठंडा पानी लगने पर तकलीफ घट जाती हो तो इससे लाभ होने की संभावना है। शिरा का फूलना, हेमामेलिस की तरह इससे भी शिरा स्फीति रोग आरोग्य होता है। शिरा यानी आर्टरी, वेंस, वेंस जिसे कहते हैं। हेमामेलिस बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की के प्रयोग में आता है। यदि शिरा स्फीति नई हो तो हेमामेलिस पुरानी होने पर एसिड फ्लोर लाभदायक है। दर्द, दाहिने स्कंध संधि में दर्द यानी राइट स्कैपुला में दर्द होना, दर्द ऊपर से उंगली तक फैल जाना, बाई तर्जनी या समूची उंगलियों में दर्द और प्रदाह में एसिड फ्लोर फायदा करता है। समूचे हाथ का फूलना, फूली जगह पहले बहुत गर्म हो जाना और उसमें तकलीफ रहना, उसके बाद पक जाना, इसमें भी फ्लोरिक एसिड लाभदायक है। पेशाब, पेशाब करने के समय और पेशाब करने के बाद मूत्र नली में आग से जल जाने की तरह जलन होना, ऐसी जलन कैंथेरिस में भी पाई जाती है। पेशाब के समय नहीं बल्कि अन्य समय में जलन होने पर स्टेफिसैग्रिया दी जाती है। चर्म रोग, किसी चर्म रोग में यदि बेतरह खुजलाहट रहे तो फ्लोरिक एसिड फायदा करेगा। मेजेरियम, इसकी उच्च शक्ति से बहुधा खुजली, तर खुजली, अकौता इत्यादि बेतरह खुजलाहट आराम हो जाती है। फ्लोरिक एसिड में शरीर के भिन्न भिन्न अंशों में और थोड़ी सी जगह में उद्भेद निकलते हैं। रोगी की त्वचा सूखी और रूखी रहती है। पाकस्थली के रोग, अजीर्ण रोग से पेट फूलना, पेट में दर्द और यंत्रणा होना, रोगी को प्यास बहुत अधिक लगती है, केवल ठंडा पानी पीना चाहता है, खाने पीने की थोड़ी भी गड़बड़ी तबीयत खराब हो जाती है, पित्त की कह होती है, हमेशा डकार आया करती है और अधोवायु निकलती है यानी नीचे से गैस पास होती है। इन शिकायतों में इससे रोगी को आराम मिलता है। ऊपर लिखी बीमारियों के अलावा साइनोवाइटिस यानी घुटने की संधि का प्रदाह या सूजन, उदरी खासकर शराबियों को उदरी यानी एसाइटिस, यकृत बड़ा और कड़ा हो जाना, हाइड्रोथोरेक्स यानी थोरेसिक कैविटी में छाती में पानी इकट्ठा होना,
नाक की पुरानी सर्दी, गलगंड यानी घेघा, गले के भीतर उपदंश का जख्म, नाक के भीतर सड़े घाव जिसे ओजिना कहते हैं या पीनस बोलते हैं, कान में घाव, सर के केस झड़ जाना, खलवट पड़ जाना, लहसन या नेवी, जख्म आराम होकर फिर लाल हो जाना और खुजलाना इत्यादि बीमारियों में भी फ्लोरिक एसिड लाभदायक है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कोका और साइलिसिया के साथ में। इसका जो संबंध है, फ्लोरिक एसिड दांत के दर्द में कॉफिया और स्टेफिसग्रिया के बाद, हिप ज्वाइंट यानी उरु संधि की बीमारी में, काली कार्प के बाद, शराबियों के शोथ और उदरी रोग में, आर्सेनिक के बाद, बहुमूत्र रोग में, एसिड फॉस के बाद, ग्रंथि रोग में यानी ग्लैंड्स के रोग में, साइलिसिया और सिम्फाइटम के बाद, और कंठमाला में स्पॉन्जिया के बाद व्यवहार करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। विषक्रियानाशक साइलिसिया है। क्रिया का स्थितिकाल 30 दिन तक होता है। इसको ज़्यादातर 6 या 30-200 पोटेंसी में यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी रही आज फ्लोरिक एसिड के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपको लगता है कि इससे फ़ायदा हो सकता है, तो अपने उन सारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसको ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इससे फ़ायदा होने की संभावना हो, जो इसके यूज़ कर पाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं इसके आगे की मेडिसिन के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।